वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक मिक्स्ड वेजिटेबल बनाने वाले हैं जो मलबर स्पिनेच बोलते हैं इसे, और हिंदी में इसे पुई साग भी बोलते हैं। तो पुई साग और कुछ वेजिटेबल्स, तीन चार तरह के वेजिटेबल्स है, ये मिक्स वेजिटेबल्स हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया आलू और बैंगन जो मैंने छोटा छोटा करके काट लिया, साथ ही मैंने पुई साग का जो डंठल है उसको प्रेशर कुकर में एक विसल देके रख दिया है। और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फ्रेश फिश, मैंने यहाँ पर रोहू फिश ही लिया है। तो फिश को अच्छी तरह से नमक हल्दी लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अभी यहाँ पर कढ़ाई पे डाल देते हैं तेल। तेल जैसे गर्म हो जाता है, एक एक करके फ़िश अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा, फ़िश डालने के बाद ही तुरंत इसके नहीं पलटिएगा, थोड़ा देर टाइम ले लीजिएगा। जैसे 3 से 4 मिनट हो जाए उसके बाद ही फ़िश को पलट दीजिएगा, नहीं तो क्या हो ना, फ़िश टूट जाएगा। और इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके एकदम क्रिस्पी करके आपको फ्राई कर लेना है। कढ़ाई बदलने का ज़रूरत नहीं है, उसी में थोड़ा सा तेल डाल के गर्म कर लीजिएगा। और इसी में डालते हैं 4 से 5 हरी मिर्ची, बीच में से चीरा लगा हुआ। हरी मिर्ची को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे लहसुन के कलियाँ 3 से 4 जो मैंने खलबट्टे में दरदरा सा कूट लिया है। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे सारे वेजिटेबल जो पहले हमने काट के रखा हुआ है। अभी सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। और इसी फिश का ऑयल में, जिसमें फ़िश का जो फ़िश हम फ्राई किए थे उसी तेल में फ्राई करते हैं इसे, ताकि फ़िश का जो फ्लेवर है इसी में आने लगे, वेजिटेबल्स में आने लगे। जैसे कि आप देख पा रहे थे, फ़िश का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट रह भी गया था और मैंने उस तेल को चेंज भी नहीं किया, उसी तेल में ही इसको हम फ्राई किए हैं। तो अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को इसी में फ्राई करना है। जैसे ही 50% कुक हो जाए, फ्राई करते करते हम यहाँ पर डाल देंगे डंठल, मतलब पुई साग का जो डंठल है जो हमने पहले से प्रेशर कुकर में विसल देके रखा हुआ था, मतलब ये ऑलरेडी बॉयल्ड एंड कुक्ड है, इसको गलाने का ज़रूरत नहीं, ये पहले से गला हुआ है। ठीक है, अभी इस सारे वेजिटेबल के साथ इसको कुक करेंगे। और अभी यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग को पानी नहीं डालना है, हम लोग को इसी तरह से इसे कुक करना है जो बाकी सारे वेजिटेबल्स हैं, इसीलिए इसको फ्राई करते हुए कुक किए ताकि वो वहीं पर गल जाए। तो जो वेजिटेबल्स है वो हम लोग का आधा गल चुका है, जो डंठल है वो पहले से हम लोग विसल दे के रखा हुआ है। और यहाँ पर डाला हमने थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, यहाँ पर ज़्यादा मसाला नहीं डलती है, सिर्फ ज़ीरा पाउडर ही इसमें डलेगा। और अभी सारी चीज़ों को फिर से मैंने चलाते हुए मिक्स किया है। तो अभी डालते हैं यहाँ पर जो पुई साग है उसका डंठल तो मैंने डाल दिया, लेकिन जो उसका पत्ते हैं उसको अभी अंत में डालेंगे, क्योंकि उसको गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो पुई साग का पत्ता मैंने ऐड कर दिया। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसको फ्राई करते जाएँगे ताकि ये जो पत्ता है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो पत्ता डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके कुक करेंगे 4 से 5 मिनट तक। और 4 से 5 मिनट हो चुका है, देखिए मैंने कवर हटा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा पानी है और यहाँ पर जो प्याज का नहीं, पुई साग का जो पत्ता है वो एकदम गल चुका है। तो चलिए यहाँ पर डाल देते फ़िश, जो फ़िश मैंने पहले से फ्राई करके रखे थे उसको मैंने पहले से तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसमें डालने के बाद तोड़िए, या तो साबुत डाले उसके बाद तोड़ सकते हैं, या तो पहले से तोड़ के ना इस सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको मन चाहे। तो मैंने इसे पहले से इसको फ्राई करने के बाद ऐसे कटोरी में लेके तोड़ दिया है। अभी इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिला देंगे और इसे फ़िश के साथ ना कुछ देर तक फ्राई करेंगे, ताकि जो ये फ़िश का फ्लेवर है, ये जो वेजिटेबल्स मैंने डाला है इसके साथ आ जाए, तो ये ना और भी टेस्टी लगने वाला है। और इसको थोड़ा कुक भी करना है, क्योंकि इसको मैंने कुछ देर के लिए कवर किया हुआ था। तो ऐसा करते हैं, इसको ना 4 से 5 मिनट के लिए फिर से कवर करके कुक करते हैं, ताकि ये फ़िश भी अच्छी तरह से उसका फ्लेवर, मतलब ये वेजिटेबल्स के साथ आ जाए। तो 5 मिनट के बाद इसको दोबारा खोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी उतना पानी नहीं है, काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट तक इसको और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बस 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे तो ये एकदम रेडी हो जाएगा। और मैं देख भी ले रही हूँ, सब्ज़ी यहाँ पर हम लोग का सारे के सारे गल चुका है। डंठल का चिंता करने का ज़रूरत है, वो तो हम लोग विसल दे दिए थे यहाँ पर।
एक विसल दिए थे और वो पहले से गला हुआ है, तो सब्जी हम लोग का तैयार है। तो ये सब्जी आप एंजॉय कर सकते हैं, गर्मा गर्म रोटी, पराठा, पूरी या तो सीम राइस, जैसा आपको मन चाहे। फिलहाल मैं इसे गर्मा गर्म सीम राइस से ही एंजॉय करती हूँ। और अब चाहे तो अंत में ऊपर से ना थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर दे सकते हैं, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया लगता है। और हाँ, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर दिया मैंने और थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा और नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया, मतलब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है जितना नमक चाहिए। तो आप भी नमक थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और नमक चेक करने का वक्त नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो बस हम लोगों का ये जो पुई साग का मिक्स वेजिटेबल्स है ये है तैयार। तो आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और नए फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके, ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह से सिंपल वे में बना के इसे इंजॉय कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।